हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आपने इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर के प्रीवियस सेशंस देख लिए हैं। तो आज के सेशन में हम आपके सेक्स लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। सेक्स लिंकेज के दो टाइप होते हैं, कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। वो हम समझने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। TH मॉर्गन ने हमको जो एक्सपेरिमेंट दिया था यूजिंग ड्रोसोफिला, उस एक्सपेरिमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। लेकिन आज के सेशन से स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था कि ह्यूमंस में कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है 23 लिंकेज ग्रुप्स। आंसर आपका ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोगों ने 23 लिंकेज ग्रुप्स आंसर दिए हैं, किसी ने एक्चुअली करेक्ट आंसर नहीं दिया है। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्यों हुआ? ओके, इट्स ऑब्वियस कि आपको कन्फ्यूजन होना था क्योंकि मैंने बताया ही आपको इस तरीके से था कि आप कन्फ्यूज हो चुके थे। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखो, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। कितने क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमंस में? 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन ये क्रोमोजोम्स डिवाइडेड हैं दो पार्ट में, ये क्रोमोजोम्स दो पार्ट में क्लासिफाइड हैं। 22 पेयर्स जो हैं, मतलब जो 44 क्रोमोजोम्स हैं हमारी बॉडी के, उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं उनको हम? ऑटोजोम्स, जो बॉडी के फिजिकल कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। ओके, फिजिकल एंड अदर जेनेटिक फैक्टर्स। और जो एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम, जो टू क्रोमोजोम्स हैं उनमें दो क्रोमोजोम्स हैं, मतलब ये जो टू क्रोमोजोम्स हैं ना, इनमें दो सेपरेट क्रोमोजोम्स इन्वॉल्व हैं। अगर मेल होगा तो उसमें कौन से क्रोमोजोम्स आते हैं? एक्स और वाई। और अगर फीमेल होगी तो उसमें दो कौन से क्रोमोजोम्स आते हैं? एक्स एंड एक्स। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो टाइप के क्रोमोजोम यूज हो रहे हैं। नंबर में दो है और वो दो में से भी दो अलग अलग टाइप के क्रोमोजोम्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो ये एक अलग टाइप का क्रोमोजोम है और ये एक अलग टाइप का क्रोमोजोम है। क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपके बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ह्यूमंस में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। लेकिन उसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो तो ऑटोजोम्स हैं, इसको हटा दो, ये सबकी बॉडी में कॉमन होते हैं। लेकिन ये जो वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ये मेल और फीमेल में अलग होता है। क्या होता है? ये मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल में दो अलग अलग क्रोमोजोम्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई, और फीमेल में दोनों सेम क्रोमोजोम होते हैं, एक्स और एक्स। तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ तो मेल्स में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? ये 22 लिंकेज ग्रुप प्लस 23 प्लस 24, क्योंकि देखो मेल में दो अलग अलग क्रोमोजोम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर यहाँ पर एक्स आ जाएगा तो वो फीमेल बन जाएगी, अगर ये वाई की जगह पे एक्स आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये ह्यूमन फीमेल बन जाएगा। तो इस वजह से मेल्स में कितने लिंकेज ग्रुप्स होते हैं? 24 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। कितने लिंकेज ग्रुप्स होते हैं मेल में? 24 क्यों बोल रही हूँ मैं? 22 कॉमन है, फीमेल और मेल दोनों में ये 22 कॉमन रहेंगे। ओके, ये 22 दोनों में कॉमन रहेंगे, लेकिन मेल में एक एक्स आता है और एक वाई आता है, तो 22 प्लस 1 प्लस 1 टोटल कितने हो गए? 24। और फीमेल में क्या होता है? ये जो 22 है वो सेम रहेंगे, ये 22 सेम रहेंगे, लेकिन फीमेल में ये एक्स एक्स दोनों सेम है। एक्स एक्स क्या है? दोनों सेम है। तो जो सेम वाले क्रोमोजोम है वो एक काउंट होंगे और जो अलग अलग क्रोमोजोम्स हैं वो अलग अलग काउंट होंगे। मतलब सेम वाले क्रोमोजोम्स अगर रहेंगे तो दोनों क्रोमोजोम को मिला के हम वन काउंट करेंगे, और अगर अलग अलग क्रोमोजोम्स हैं, मतलब एक एक्स है और एक वाई है, तो इनको हम इंडिविजुअली वन और वन ऐसा काउंट करेंगे। तो मेल्स में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं? 24 लिंकेज ग्रुप्स। और फीमेल में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं? 23 लिंकेज ग्रुप। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इस वजह से जो बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर किया है दैट देयर आर 23 लिंकेज ग्रुप्स इन ह्यूमंस, उनका आंसर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। फीमेल्स में 23 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं लेकिन मेल्स में 24 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि मेल में एक अलग क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई। ओके, मेल में कौन सा एक डिफरेंट क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है? वाई क्रोमोजोम डिफरेंट प्रेजेंट होता है। और इस वजह से आपके आंसर्स आधे करेक्ट है आधे रॉन्ग है, मतलब मैं रॉन्ग नहीं बोलूंगी पर वो राइट भी नहीं है, हाफ इनकम्प्लीट आंसर है वो। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमंस में कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो ह्यूमंस में मेल्स के अंदर 24 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और फीमेल्स के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एम आई क्लियर? आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एक्स क्रोमोजोम के वजह
वजह से कौन से कैरेक्टर्स पास होंगे और वाई क्रोमोसोम के वजह से कौन से कैरेक्टर्स पास होंगे, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखो, मेल्स के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर कौन सा होता है, एक्स और एक्स। तो ये जो एक्स और वाई, ये जो अलग अलग क्रोमोसोम है ना, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लिंकेज। हमने लास्ट लेक्चर में लिंकेज का मीनिंग अच्छे से पढ़ा था। व्हाट इज लिंकेज? ऐसे पार्ट ऑफ जीन, मतलब समझो ये आपका क्रोमोसोम है। क्या है ये? आपका क्रोमोसोम है, ये आपका मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ। तो क्रोमोसोम का ऐसा पार्ट जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ये जो नॉन होमोलोगस रीजन है, ये होमोलोगस रीजन है जहाँ पर सेम जीन्स प्रेजेंट है, ये नॉन होमोलोगस रीजन है क्योंकि इसका साइज अलग है और नंबर ऑफ जीन्स भी अलग अलग है। सो नॉन होमोलोगस रीजन में जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो यहाँ के जीन्स एज इट इज़ ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं लिंकेज। जहाँ के जीन्स अलग नहीं होते, इनके बॉन्ड को कोई तोड़ ही नहीं सकता। नॉन होमोलोगस रीजन के जीन्स को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। जैसे जीन्स प्रेजेंट में पेरेंट्स में प्रेजेंट थे, वैसे ही जीन्स ऑफस्प्रिंग में भी प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं लिंकेज। और होमोलोगस रीजन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये दोनों अपने अपने कैरेक्टर्स एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों में से सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स बच्चे में जाते हैं। तो बच्चे में वैरायटी देखने को मिलती है, वेरिएशन। बच्चा एग्जैक्टली फादर या मदर के जैसा नहीं दिखता ना, उसमें थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। तो वो डिफरेंसेस किसके वजह से होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के वजह से होते हैं। और जो सेम कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, वो सेम कैरेक्टर किसके वजह से होता है, लिंकेज के वजह से। तो क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में लिंकेज होता है और होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो लिंकेज का मतलब हमने क्या देखा था, जब दो जीन्स को आप अलग नहीं कर सकते तो वो एज इट इज बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज लिंकेज। तो चलिए पढ़ते हैं आज के सेशन के बारे में, दैट इज सेक्स लिंकेज। ऑलराइट, अब देखिए हमको यहाँ पर सेक्स लिंकेज की थ्योरी में क्या बताया गया है, ध्यान से देखना। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल है। अगर आपको प्रीवियस सेशन समझ में आया है तो ये सेशन समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्रीवियस सेशन देखें और फिर ही ये सेशन देखें, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। ओके, सेक्स लिंकेज, द ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस जिसको हम बोलते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। द ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब हमको क्या बोला गया है, आपके दो क्रोमोसोम्स हैं। कौन से क्रोमोसोम्स हैं आपके पास? एक एक्स क्रोमोसोम है आपके पास और एक वाई क्रोमोसोम है। इमेजिन करो, ये आपका एक्स क्रोमोसोम है और ये आपका वाई क्रोमोसोम है। ओके, ये वाला पी आर्म है। पी मतलब पेटीट, पेटीट मतलब स्मॉल आर्म। ओके, एंड दिस इज योर क्यू आर्म। ओके, सो क्या बताया जा रहा है हमको, ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, ये आपका वाई क्रोमोसोम है। इन एक्स और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, वो जीन्स एक मतलब अपने क्रोमोसोम के साथ चिपके हुए हैं। क्या है वो? अपने क्रोमोसोम के साथ टाइटली बॉन्ड है, टाइटली लिंक्ड है। तो इन जीन्स के वजह से जो कैरेक्टर्स बच्चे में आगे ट्रांसफर होगी, उस कैरेक्टर को हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे उस कैरेक्टर को हम? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब सेक्स क्रोमोसोम के वजह से जो जीन आगे जा रहा है बच्चे में, क्या बोल रही हूँ मैं, सेक्स क्रोमोसोम के वजह से जो जीन बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, उस जीन को हम बोलते हैं या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसको हम? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज फॉर दैट, प्लीज़ बेयर विथ इट। ओके, तो क्या बोला जा रहा है हमको इधर पे, द ट्रांसमिशन मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जीन्स। मतलब एक्स क्रोमोसोम के अगर कोई जीन बच्चे में जा रहे हैं या वाई क्रोमोसोम के अगर कोई जीन्स बच्चे में जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसको हम? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब सेक्स क्रोमोसोम के वजह से वो जीन ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कितने टाइप के हमको बताए गए हैं? थ्री टाइप के सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं। पहला है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब एक्स क्रोमोसोम के वजह से कोई जीन अगर बच्चे में गया, एक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है मेल और फीमेल में, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक्स क्रोमोसोम के वजह से जो जीन बच्चे के अंदर जाएगा उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई क्रोमोसोम के वजह से जो जीन बच्चे के अंदर हमको देखने को मिलेगा, बच्चे के डीएनए में, उसको हम बोलेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और कुछ जीन्स एक्स और वाई दोनों में कॉमन होती हैं, तो वो दोनों कॉमन जीन्स, मतलब एक्स और वाई दोनों में जो कॉमन जीन्स है, अगर वो बच्चे में देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब वो जीन एक्स से भी आई है, वाई से भी आई है, तो उसको हम बोलेंगे एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तीन टाइप के इनहेरिटेंस कौन से बताए गए हैं हमको? एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस,
इनहेरिटेंस, मतलब जो जीन एक्स क्रोमोसोम से गई है बच्चे में, एक वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो वाई क्रोमोसोम से बच्चे में जा रही है, और एक एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम से मिलकर बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो रही है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहाँ तक समझ में आया? ऑल राइट तो अब देखेंगे हम कंप्लीट सेक्स लिंकेज और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, क्योंकि ये जो सेक्स लिंकेज होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, सेक्स लिंकेज दो टाइप्स के होते हैं, एक कंप्लीट सेक्स लिंकेज और एक इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज मतलब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखो। इट इज एग्जिबिटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन। कंप्लीट सेक्स लिंकेज कहाँ पर देखने को मिलेगा? ऐसी जगह जहाँ पर जीन्स अलग हो ही ना सकें। लिंकेज मतलब क्या होता है? टाइटली लिंक्ड जीन्स। और लिंक्ड जीन्स टाइटली कहाँ पर रह सकती हैं? नॉन होमोलोगस रीजन में, क्योंकि नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जीन्स एक्सचेंज होने के चांसेस बनते ही नहीं है। जैसे जीन पेरेंट में है वैसी की वैसी जीन वो ऑफस्प्रिंग में जाएगी। सो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और कंप्लीट सेक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है? इट इज एग्जिबिटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन, द अपर रीजन आर द नॉन होमोलोगस रीजन। कैसे याद रहेगा आपको कि मैम नॉन होमोलोगस रीजन कौन सा होता है और होमोलोगस रीजन कौन सा होता है? जिनका साइज अनइक्वल है दैट इज नॉन होमोलोगस रीजन, और जो सेम साइज का साइड होता है दैट इज होमोलोगस रीजन। ओके, सो दिस इज होमोलोगस रीजन। सो जो नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, जीन्स प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स दे शो कंप्लीट सेक्स लिंकेज। जो जीन्स नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उन जीन्स से हमको कंप्लीट सेक्स लिंकेज देखने को मिलता है। दे इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन दिस रीजन। सबसे बड़ा रीजन क्या है यहाँ पर लिंकेज का? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। हमने क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में? क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? सिर्फ होमोलोगस रीजन में होगा। कहाँ पर होगा? सिर्फ होमोलोगस रीजन में होगा। नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स के आर्म्स अनइक्वल साइज के हैं और जीन्स का क्वांटिटी भी अलग अलग है। बड़े आर्म में ज़्यादा जीन्स होंगे, छोटे वाले आर्म में कम जीन्स होंगे। इस वजह से क्रॉसिंग ओवर अगर हुआ तो वो अनइक्वल या पार्शल क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसके वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। और इस वजह से नॉन होमोलोगस रीजन में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलता है? हमको होमोलोगस रीजन में। सो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मतलब जो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वो वैसे ही रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, और बच्चे के अंदर वो जीन्स वैसे के वैसे ही देखने को मिलेंगे एज इट इज। मतलब पेरेंट का ही कैरेक्टर हमको बच्चे में देखने को मिलेगा। सो नॉन होमोलोगस रीजन के वजह से, जो नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से हमको वो जीन्स एज इट इज बच्चे में देखने को मिलते हैं। Examples of X-linked traits. तो अभी कुछ examples बताए गए हैं, मतलब X-linked inheritance and Y-linked inheritance के। मतलब X क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, अगर वो जीन्स बच्चे में ट्रांसफर होते हैं तो क्या कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और वाई लिंक्ड के ऊपर मतलब वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, अगर ये जीन्स बच्चे में ट्रांसफर होते हैं तो क्या देखने को मिलेगा। मतलब पता कैसे चलेगा कि एक्स क्रोमोसोम वाले जीन्स बच्चे में आए हैं या वाई क्रोमोसोम वाले जीन्स बच्चे में आए हैं या दोनों क्रोमोसोम के जीन्स बच्चे में आए हैं? क्योंकि हमने तीन टाइप का इनहेरिटेंस देखा, एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और एक एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम से आते हैं उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और उसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आर हीमोफीलिया, मतलब इरेगुलर साइज ऑफ आरबीसीज, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया मतलब रात को ना दिखना, सॉरी मायोपिया मीन्स नज़दीक का चीज़ आपको नहीं दिखता है। ओके, एंड फॉर वाई लिंक्ड, मतलब अगर एक्स क्रोमोसोम के जीन्स अगर बच्चे में जा रहे हैं तो ये डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और अगर वाई क्रोमोसोम के जीन्स बच्चे में जा रहे हैं तो क्या देखने को मिलेंगे, हाइपर ट्राइकोसिस, इश्थायोसिस एट्सेट्रा। मतलब दीज आर ऑल्सो सम अदर टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स विच आर सीन, विच आर ऑब्जर्व्ड फिनोटिपिकली इन ऑफ स्प्रिंग। अगर वाई क्रोमोसोम के जीन्स बच्चे में जाते हैं तो आपको हाइपर ट्राइकोसिस और इश्थायोसिस जैसी डिजीजेस देखने को मिलेंगी, और अगर एक्स क्रोमोसोम के जीन्स बच्चे में जाएंगे तो आपको नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मतलब ये जो दो कलर होते हैं रेड और ग्रीन, इनके बीच में डिफरेंशिएट करने में बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो ये सारी चीज़ें हमको एक्स क्रोमोसोम के वजह से दिखेंगी। यहाँ तक आपको समझ में आया है? पक्का आगे बढ़े। ऑल राइट,
ओके सो अब बढ़ते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज की तरफ. कंप्लीट सेक्स लिंकेज में हमने क्या देखा, ऐसे जीन्स जो अलग होंगे ही नहीं, जो जीन्स पेरेंट्स में प्रेजेंट है एक्स और वाई क्रोमोसोम में, वो जीन्स वैसे के वैसे बच्चे में देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट सेक्स लिंकेज. मतलब क्रॉसिंग ओवर ना होना, एज इट इज जीन्स ट्रांसफर होना. एक्स क्रोमोसोम के जीन अगर बच्चे में ट्रांसफर हुए हैं तो उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. वाई क्रोमोसोम के जीन अगर बच्चे में ट्रांसफर हुए हैं तो उसको बोलेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम के अगर जीन्स बच्चे में ट्रांसफर हुए हैं तो उसको बोलेंगे एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के वजह से आपको कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, और क्या बोला यहाँ पर, हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एटसेट्रा. और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के वजह से कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी, स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपरट्रिकोसिस एंड इक्थियोसिस. तो ऐसे डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हाइपरट्रिकोसिस में क्या होता है, बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ, बहुत ज़्यादा बाल उगने लगते हैं पूरी बॉडी में. और इक्थियोसिस भी एक टाइप का स्किन डैमेज है, स्किन डिजीज़ है, जहाँ पर आपकी स्किन ड्राई और स्केली हो जाती है. ओके अब पढ़ते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के बारे में. इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में क्या होगा कि ये जो जीन्स हैं वो जीन्स लिंक्ड नहीं रहेंगी, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने एक ऐसा फ्लाई लिया था जिनके दो जीन्स नज़दीक हैं, और एक ऐसा फ्लाई लिया था उन्होंने जिनके दो जीन्स बहुत दूर दूर हैं. तो ये दो जीन्स एज इट इज़ हमको बच्चे में देखने को मिली, क्योंकि ये दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम था, और ये दो जीन्स सेपरेट हो गए, मतलब यहाँ पर एक दूसरा जीन आ गया, यहाँ पर एक दूसरा जीन आ गया. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था. तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, दो जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो उनको सेपरेट करना आसान होता है, और दो जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो उनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते. मतलब अगर समझो दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस छोटा सा है तो तुम उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बॉन्ड बहुत टाइट होता है. और अगर दो जीन्स दूर दूर हैं तो उनको अलग से अच्छे से मतलब इजीली सेपरेट किया जा सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द व्हाट यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन लिंकेज. ओके तो देखो क्या बताया गया इधर पे हमको इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के बारे में. इट इज़ एग्जिबिटेड बाई जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. तो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर जीन्स एक्सचेंज हो सकते हैं. और जीन्स कहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, होमोलोगस रीजन में. कहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, होमोलोगस रीजन में, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है. क्या होता है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है. तो जो जीन्स होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट हैं, कहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो जीन्स होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट हैं वो जीन्स क्रॉसिंग ओवर करेंगे. क्या करेंगे, वो जीन्स आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे. तो एक्स क्रोमोसोम के कुछ जीन्स वाई क्रोमोसोम के साथ मिलकर दोनों अपने अपने कैरेक्टर्स आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देंगे. मतलब कुछ नया वेराइटी देखने को मिलेगा आपको बच्चे में. क्या देखने को मिलेगा, कोई नया वेराइटी देखने को मिलेगा. सो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्या बोलते हैं इसको हम, क्रॉसिंग ओवर. तो इसका मतलब यहाँ पर आपके ओरिजिनल जीन्स नहीं जा रहे हैं बच्चे में, बच्चे में कुछ नया वेराइटी देखने को मिल रहा है. तो इसका मतलब वहाँ पर लिंकेज जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है, वहां पर इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है. क्या हो रहा है, देखो लिंकेज मतलब क्या होता है, पेरेंट्स के जीन बच्चे में जाना, सेम टू सेम जीन्स, बिल्कुल भी उसमें चेंजेस ना होना. और इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब क्या होता है, जब वो जीन्स आपस में मिक्स होके कुछ नया बना देते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज इज एग्जिबिटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन द होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर अकर इन दिस रीजन. तो यहाँ के जीन्स एज इट इज बच्चे में नहीं जाते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वो जीन्स बच्चे के अंदर जाते हैं तो थोड़ा नया वैरायटी देखने को मिलता है, क्योंकि मेल मतलब एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम आपस में कुछ कैरेक्टर्स एक्सचेंज कर लेते हैं. ओके ऑल राइट, दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर अकर इन दिस रीजन. और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स वाई लिंक ट्रेड्स. तो हमने जो तीन टाइप पढ़े थे ना, एक्स लिंक ट्रेड, वाई लिंक इनहेरिटेंस एंड एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस. तो ये एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस कब देखने को मिलती है हमको, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में. तो एग्जाम्पल्स हैं इसके टोटल कलर ब्लाइंडनेस. मतलब समझो अगर मदर भी कलर ब्लाइंडनेस रही होगी और फादर भी कलर ब्लाइंडनेस रहा होगा, मतलब दोनों में अगर हाफ हाफ कलर ब्लाइंडनेस होगी तो बच्चे में टोटल कलर ब्लाइंडनेस होगा. वो टोटली कलर ब्लाइंड होगा, कलर्स उसको डिस्टिंग्विश करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी. सो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स वाई लिंक ट्रेड्स आर टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये मतलब बच्चे के
साइट रिलेटेड, मतलब उसका विजन जो है, विजन बहुत ज़्यादा पुअर होने के चांसेस है जब एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है. क्या होता है जब एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है? देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दो तीन तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं, कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. में कंप्लीट सेक्स लिंकेज क्या होता है? जब आपके पेरेंट्स के जीन एज इट इज़ बच्चे में देखने को मिलते हैं. क्या बोल रही हूँ मैं? जब आपके पेरेंट्स के जीन एज इट इज़ बच्चे में देखने को मिलेंगे तो उसको बोलेंगे हम कंप्लीट सेक्स लिंकेज. मतलब इमेजिन करो कि ये फीमेल है और ये मेल है. यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं फीमेल के, यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट है और यहाँ पर मेल के क्रोमोसोम के एक्स, मतलब देखो फीमेल के पास भी एक एक्स होता है, मेल के पास भी एक एक्स होता है. दोनों मिला के जो जीन्स हमको बच्चे में देखने को मिल रहा है, मतलब इमेजिन करो कि ये, चलो पूरा ही बना देती हूँ मैं, ये फीमेल का क्रोमोसोम हो गया 2x और ये मेल का क्रोमोसोम हो गया, ठीक है. सो यहाँ पर मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलोगस रीजन से जो जीन्स बच्चे के अंदर जाएंगे, नॉन होमोलोगस रीजन मतलब कौन सा हो गया? ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला पार्ट नॉन होमोलोगस रीजन हो गया. क्या हो गया? ये नॉन होमोलोगस रीजन हो गया. तो यहाँ के जो जीन्स हमको बच्चे में देखने को मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कंप्लीट सेक्स लिंकेज, क्योंकि ये जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है. लेकिन ये जीन्स नीचे वाला जो रीजन है ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे. क्या करेंगे? ये आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे. सो ये जो जीन्स हैं ये जीन्स हमको कंप्लीट सेक्स लिंकेज नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा है. तो बच्चे में हमको नया वेराइटी ऑफ जीन्स देखने को मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. जब एज इट इज जीन्स ट्रांसफर होते हैं तो दैट इज कंप्लीट सेक्स लिंकेज. जब वेराइटी बन जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. कंप्लीट सेक्स लिंकेज में दो तरीके के सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं. अगर एक्स क्रोमोसोम के जीन्स जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. अगर वाई क्रोमोसोम के जीन्स जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. और अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम के जीन्स जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. यहाँ तक समझ में आया है? इसको बार बार रिपीट करके देखो इस वीडियो को और टेक्स्ट बुक रीड करो तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. दिस इज़ वेरी सिंपल. आपको सिर्फ लिंकेज का मीनिंग समझ में आना चाहिए बस, बाकी आपको सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ें. ऑल राइट. अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही डिटेल में स्टडी की है जब आप सेल डिवीजन पढ़ रहे थे. यहाँ पर अगर मैं उसका छोटा सा सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊँ तो ध्यान से देखो हमने एक चीज़ क्या पढ़ी है कि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं. गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड मतलब उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. मतलब मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स. तो जब रिप्रोडक्शन होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस टाइम पे जब दो गैमेट्स या दो सेक्स सेल्स साथ में आकर मिलते हैं तो समझो ये आपका मेल का सेक्स सेल है, ये आपका फीमेल का सेक्स सेल है, ठीक है. ये दोनों मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है. ये दोनों जब साथ में आएंगे और अपना अपना कैरेक्टर्स एक्सचेंज करेंगे, देखो यहाँ पर चियास्माटा हो रहा है, मतलब यहाँ पर सिनेप्सिस फॉर्म हो रहा है. मेल और फीमेल गैमेट अपने अपने कैरेक्टर्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हम क्रॉसिंग ओवर. ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है क्रॉसिंग ओवर मीनिंग समझने का ये. लेकिन जितना ईजी दिखता है उतना ईजी होता नहीं है. इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पूरा 11th स्टैंडर्ड में आपको दिया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम्स की मदद से. अलग अलग साइकिल होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं जब आपके क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, क्रॉस ओवर होते हैं, कैरेक्टर्स एक्सचेंज करते हैं, सिनेप्सिस, चियास्माटा, ऐसा बहुत कुछ होता है. तो 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो. लेकिन अभी तुरंत रिवीजन के लिए आपको अगर मैं बोलूं तो जब मेल और फीमेल क्रोमोसोम एक साथ आते हैं और जब वो अपना अपना कैरेक्टर्स एक्सचेंज करते हैं तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. तो हमको ऑफस्प्रिंग में डिप्लॉयड देखने को मिलता है. ये मेल का एक सिंगल क्रोमोसोम, ये फीमेल का एक सिंगल क्रोमोसोम मिलकर हमको क्या मिला? डिप्लॉयड जायगोट के अंदर एक डिप्लॉयड सेट देखने को क्या मिला? जायगोट के अंदर एक डिप्लॉयड सेट, मतलब टू सेट, मतलब वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. क्या देखने को मिला यहाँ पर? वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. और यहाँ पर एक क्या चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि मेल का जो ओरिजिनल क्रोमोसोम था अब वो वैसा नहीं है, कुछ उसमें फीमेल के कैरेक्टर्स आ गए और फीमेल वाले क्रोमोसोम में कुछ मेल के कैरेक्टर्स आ गए. तो इस तरीके से बच्चे के अंदर हमको नई वैरायटी देखने को मिलती है. क्या देखने को मिलती है? बच्चे के अंदर एक न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. क्या बोलते हैं हम उसको? रिकॉम्बिनेशन. तो क्रॉसिंग ओवर की थ्योरी देख लेते हैं. ये आपके टेक्स्ट बुक में है, देख लो, मैं यहाँ पर भी डिस्प्ले कर रही हूँ. क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन, या जिनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, बाय इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स, एक मेल क्रोमोसोम, एक फीमेल क्रोमोसोम. ये एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट. इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स.
मेल क्रोमोसोम के इस क्रोमैटिड के बीच में और फीमेल क्रोमोसोम के इस क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. ओके, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल का सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के ऑटोसोम के साथ क्रॉस ओवर हो रहा है. आपको डिफरेंस पता है ऑटोसोम्स मतलब क्या होते हैं, जो फिजिकल कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो बच्चे का सेक्स डिसाइड करते हैं कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा. ओके, सो द क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बाय इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन्स विच कंटेन सेम कैरेक्टर्स बट दे आर फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स. ओके, सो दे बोथ विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. सो इट मीन्स दे कंटेन सेम कैरेक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स. दैट इज वाई दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर मैं हाइट वाले क्रोमोसोम की बात करूँ तो मेल और फीमेल दोनों के हाइट वाले क्रोमोसोम लेंगे तो वो भी होमोलोगस हो जाएगा. लेकिन अगर मैं मेल का हाइट वाला क्रोमोसोम लूँ और फीमेल के आई कलर वाले क्रोमोसोम के साथ मैच करूँ तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे. होमोलोगस मतलब सेम कैरेक्टर. ओके, तो यहाँ पर सेक्स का कैरेक्टर आ रहा है. ओके, ऑल राइट. इट अकर्स ड्यूरिंग पेचाइटिन ऑफ और पेकाइटिन ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस. मैंने आपको पहले ही बोला कि सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था सेल डिवीजन के स्टेप्स, मियोसिस वन, मियोसिस टू. मियोसिस वन के अलग अलग फेजेस, मियोसिस टू के अलग अलग फेजेस. तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग पेकाइटिन ऑफ प्रोफेज वन, मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है सेल डिवीजन का मियोसिस के अंदर, प्रोफेज वन, उसके पेकाइटिन वाले स्टेज पे. द टर्म क्रॉसिंग ओवर वॉज कॉइंड बाय मॉर्गन, टी एच मॉर्गन. इसको अंडरलाइन कर लो, ये एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रॉसिंग ओवर ये टर्म हमको किसने दिया. सो द टर्म वॉज कॉइंड बाय टी एच मॉर्गन. द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर कंसिस्ट फोर सीक्वेंशियल स्टेप्स सच एज. क्रॉसिंग ओवर करने के लिए चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंशन किए गए हैं. सिनेप्सिस मतलब आपस में बाइंड हो जाना, ऐसे मतलब आपस में एंटैंगल्ड हो जाना. टेट्राइड फॉर्मेशन मतलब चारों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ आ जाना. देन क्रॉसिंग ओवर एंड टर्मिनलाइजेशन, फिर अपने अपने जीन्स एक्सचेंज कर लेना और जीन्स एक्सचेंज करके फाइनली वापस ओरिजिनल पोजिशन में आ जाना. सो दीज आर फोर स्टेप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटिफुली इन योर 11th स्टैंडर्ड. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर सेल डिवीजन ऑफ इन क्लास 11th. द फिनोमिनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज यूनिवर्सल एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन. ये जो क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन है ये यूनिवर्सल है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा या यूएसए में ही देखने को मिलेगा. जहाँ जहाँ ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं वहाँ वहाँ उनके डीएनए में क्रॉसिंग ओवर होता ही होता है व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. सो इट इज़ यूनिवर्सल फिनोमिनन, इम्पॉर्टेंट फॉर नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज इट इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ वेरिएशन. क्यों इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर? क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, न्यू वेरिएशन नहीं आएंगे, तो आप अडेप्ट कैसे करोगे अपने एनवायरनमेंट को? तो वेरिएशन और इवोल्यूशन के लिए क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हमको न्यू वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं. सो डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर? पक्का, बिकॉज नाउ वट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टी एच मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. शैल वी प्रोसीड? ऑल राइट, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. टी एच मॉर्गन करके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये टर्म दिया क्रॉसिंग ओवर, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हमको बताई जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमको कंक्लूड नहीं हुई थी. देखो, मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? गार्डन प्लांट के ऊपर, गार्डन पी प्लांट के ऊपर. मतलब उन्होंने एक प्लांट के ऊपर जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट किया था. और टी एच मॉर्गन ने एक एनिमल के ऊपर जेनेटिक्स का स्टडी किया और ये पता लगाया कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस के जेनेटिक्स में अप्लाई नहीं होता है. मतलब मेंडल का जो हमको रिजल्ट मिला था, F1 और F2 जनरेशन का जो हमको रेशियोज मिला था, वो रेशियो ह्यूमन या फिर एनिमल के क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर फॉलो नहीं किया जा सकते. ये डिफ्रेंशिएट हमको टी एच मॉर्गन ने करके बताया. तो टी एच मॉर्गन करके जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो एनिमल या जिसको आप बोल सकते हो जो इंसेक्ट इन्होंने अपना टूल यूज़ किया था, मतलब जिनको इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया, दैट वॉज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर. मतलब ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो फ्रूट फ्लाई के जैसा काम करता है. मतलब यूजुअली फ्रूट्स के आजू बाजू में ये घूमते रहता है. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के बारे में? दैट इट कंटेन 60% सिमिलर जीन्स टू दैट ऑफ ह्यूमंस. मतलब इमेजिन करो, ड्रोसोफिला एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके पास सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब सिर्फ 8 क्रोमोसोम्स हैं. हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, फिर भी ड्रोसोफिला और हम में 60% जीन्स सिमिलर है.
है, मतलब हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स ड्रोसोफिला के जेनेटिक कैरेक्टर से 60% सिमिलर हैं, और इस वजह से छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा इंसेक्ट है, तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए बड़ा स्पेस भी नहीं लगेगा, छोटे से लैब में ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। इसीलिए टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को अपना एक्सपेरिमेंटल टूल यूज़ किया और ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने हमको कुछ चीज़ें बताई कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के जेनेटिक्स के साथ क्यों मैच नहीं कर सकता। तो मेंडल ये मॉर्गन ने हमको जो कुछ क्रॉसेस बताए, क्रॉस वन और क्रॉस टू, टेक्स्ट बुक में देखने के बाद बच्चे यूजुअली डर जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। देखो, आपको समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि बचपन से 10th स्टैंडर्ड से आपने मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। आपने एक ही चीज़ पढ़ी है कि F1 जनरेशन में हमको 1:2:1 का रेशियो मिलना चाहिए और F2 जनरेशन में हमको 9:3:3:1 का रेशियो मिलना चाहिए। और जब ये रेशियो देखने को नहीं मिलता है, जब कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है, तो हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि अरे ऐसे कैसे ये आ गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हर नई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन उसको समझेंगे तो डेफिनेटली वो समझ में आ जाएगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को सिंपल टर्म्स में आपको कैसे समझाया जाए ताकि आपके मन का ये डर निकल सके। चलिए पहले देखते हैं मॉर्गन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो आपको ऑरेंज बॉक्स दिया गया है साइंटिस्ट के बारे में। नो द साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन वॉज एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, ही वॉज फ्रॉम अमेरिका, ही यूज्ड फ्रूट फ्लाई, मतलब मैंने आपको पहले बताया ड्रोसोफिला ये फ्रूट्स के आजू बाजू में फ्लाई करते रहता है ये इंसेक्ट, सो ही यूज्ड फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर इन जेनेटिक रिसर्च एंड एस्टैब्लिश्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। यहाँ पर रिसर्च की स्पेलिंग रॉन्ग है, प्लीज़ मेक श्योर यू करेक्टेड। तो इन्होंने जेनेटिक्स और क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करने के लिए ड्रोसोफिला का यूज़ किया। ओके, ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, क्यों यूज़ किया उन्होंने ड्रोसोफिला का, बिकॉज इट कंटेन 60% जीन सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, सेक्स लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। और टीएच मॉर्गन ने हमको लिंकेज क्या होता है वो बताया, मतलब नॉन होमोलोगस रीजन में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी आपको ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट था अबाउट लिंकेज, ये भी हमको टीएच मॉर्गन ने ही इंट्रोड्यूस कराया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अस अबाउट सेक्स लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। मॉर्गन्स वर्क प्लेड द की रोल इन फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। मॉर्गन ने जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत काम किया है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स हमको बताया है। ओके, ही वॉज अवॉर्डेड अ नोबल प्राइज इन 1933 इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ही वॉज ऑल्सो अ नोबल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। सो इट मीन्स दैट टी एच मॉर्गन वॉज अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी, वॉज अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी हु कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स एंड इन द फील्ड ऑफ साइंस। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि हमको क्या समझना है टी एच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से, हमारा क्या लेना देना है। ओके, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इनको क्यों मेंशन किया गया है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है हमको, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। मॉर्गन हमको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच का डिफरेंस। एक चीज़ याद रखो, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में तुमको एक ही चीज़ समझनी है, अगर दो जीन्स बहुत नज़दीक प्रेजेंट हैं तो वो आपको वैसे के वैसे ही देखने को मिलेंगी, ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं लिंकेज। अपने दिमाग में एक चीज़ अच्छे से फिक्स कर लो, जीन्स के बीच में अगर कम डिस्टेंस है तो वो लिंक्ड जीन्स हैं। कौन सी जीन्स हैं, लिंक्ड जीन्स हैं, मतलब जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है, ये एक क्रोमोसोम है, इस एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स हैं, तो ये दो जीन्स जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, ये दो जीन्स अलग नहीं किए जा सकते, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज़ हमको पेरेंट्स में, मतलब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करके देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ का जीन भी ऐसे का ऐसा ही आया और दूसरे पेरेंट का जीन भी ऐसे का ऐसे ही आया, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, मतलब आधा ब्लू आधा रेड ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब हमको पेरेंट का ही एक्चुअल टाइप देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, पेरेंट का ही एक्चुअल टाइप देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लिंकेज, जहाँ पर आपके जो ओरिजिनल जीन्स हैं 98% वही जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो मतलब यहाँ पर वैरायटी नहीं देखने को मिलती है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और वही अगर आप यहाँ पर देखने को मिले, मतलब देखो यहाँ पर आपको पेरेंटल टाइप 98.7% मिल रहे हैं और जो नई वैरायटी है, मतलब 100 में से 98% तो ओरिजिनल पेरेंट के जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स हैं, मतलब ऐसे समझ लो जैसे पेरेंट के डुप्लीकेट कॉपी, और सिर्फ 1.3% आपको न्यू वैरायटी देखने को मिल रही है, मतलब रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं लिंकेज के वजह से। और अगर क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो अगर आपके जीन्स दूर दूर प्रेजेंट हैं, दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो इनको सेपरेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो जब आप इनको सेपरेट करोगे तो आपको वैरायटी बहुत देखने को मिलेगी, मतलब आपको पेरेंटल टाइप 62.8% देखने को मिलेंगे और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो 37.2% देखने को मिलेगी।
तो देखो यहाँ का रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1% है, मतलब न्यू वेराइटी सिर्फ 1% देखने को मिल रही है, और यहाँ पर न्यू वेराइटी 37% देखने को मिल रही है, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू हाफ। तो क्या बताया गया हमको यहाँ पर कि जब जीन्स एक दूसरे से दूर प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके वजह से न्यू वेराइटी बनती है, और जब जीन्स एक दूसरे से नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट होते हैं तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, जिसके वजह से न्यू वेराइटी नहीं बनती है और आपको पेरेंट के ही टाइप्स देखने को मिलते हैं। और बस आपको यही चीज़ पूरे एक्सपेरिमेंट में समझनी है, बस इतना ही डिफरेंस है। लिंकेज मतलब व्हेन टू जीन्स आर लिंक टुगेदर एंड दे कैन नॉट डू क्रॉसिंग ओवर एंड द ओरिजिनल जीन्स आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑफस्प्रिंग्स लाइक पेरेंटल टाइप, इट इज़ नोन एज लिंकेज। एंड व्हेन टू जीन्स आर प्लेस्ड far from each other and they show crossing over, because of which we can see high number of recombination, that is known as crossing over. Crossing over के वजह से recombinant species ज़्यादा मिलती हैं, recombinant मतलब new variety, और linkage के वजह से recombinant species कम मिलती हैं, क्योंकि linkage है मतलब crossing over नहीं होगा, crossing over नहीं होगा तो आपको parent के जैसे ही genes देखने को मिलेंगे। ये video देखने से पहले बहुत important है कि आपका linkage और crossing over का concept clear होना चाहिए। linkage मतलब दो genes जो साथ में होते हैं जो अलग नहीं हो सकते, जिनके पास क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ये जीन्स नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर होने वाले जीन्स होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मॉर्गन यूज्ड ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, दैट इज अ फ्रूट फ्लाई, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ड्रोसोफिला कैन इजिली बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी। मैंने आपको पहले ही बोला छोटा सा इंसेक्ट है, आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, मतलब वो ज़्यादा नहीं जीता है, तो फटाफट एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका रिप्रोडक्शन भी फास्ट कर सकते हैं, तो एक बार में बहुत सारे हमको एग्स मिलते हैं, बहुत सारी प्रोजेनी एक बार में ही मिल जाती है। सो इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, अबाउट 2 weeks, मोर ओवर इट हैज़ हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मैंने आपको पहले बोला, ये ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, मतलब एक बार में आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स मिलेंगे, इसका लाइफ स्पैन छोटा है, तो आप पूरा लाइफ साइकिल पढ़ सकते हो 2 हफ्ते के अंदर, और ये छोटी सी जगह पे भी ग्रो किए जा सकते हैं। तो जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर क्योंकि कुछ उसके रीजंस थे, वैसे ही मॉर्गन ने यूज़ किया ड्रोसोफिला क्योंकि इसके कुछ बेनिफिशियल रीजंस हैं। अब आगे देखो क्या बताया गया है। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स इन फ्रूट फ्लाई टू स्टडी जीन्स दैट आर सेक्स लिंक्ड। हमको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, मेंडल ने सेक्स लिंकेज के बारे में स्टडी की। सेक्स लिंकेज मतलब क्या होता है, फीमेल के वजह से कौन से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मेल के वजह से कौन से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, या एक्स वाई लिंक्ड है। ओके, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के वजह से कौन से जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। ओके, ऑल राइट। द क्रॉसेज वर सिमिलर टू डाईहाइब्रिड क्रॉसेज एज कैरिड आउट बाय मेंडल इन पी। जैसे मेंडल ने किया था वैसा ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी किया, लेकिन इनको रिजल्ट अलग आया। ओके, फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन एंड हिज ग्रुप क्रॉस्ड, देखो अभी फर्स्ट क्रॉस की हम बात कर रहे हैं, क्रॉस वन में क्या बताया गया है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप क्रॉस्ड येल्लो बॉडीड वाइट आइड फीमेल। ये येल्लो बॉडीड वाइट आइड, येल्लो वाई मतलब येल्लो बॉडी और W मतलब वाइट आइज। ओके, तो उन्होंने एक ऐसा ड्रोसोफिला लिया, ऐसी फीमेल ली उन्होंने जिसकी बॉडी येल्लो थी और आइज वाइट थी। ये म्यूटेंट टाइप है, मतलब ये नेचुरल वेराइटी नहीं है ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला की नेचुरल ड्रोसोफिला कैसे देखने को मिलते हैं, जिनकी बॉडी ब्राउन होती है, जिनकी बॉडी क्या होती है, ब्राउन होती है, और जिनकी आइज रेड होती है। मतलब ऐसे इंसेक्ट नेचुरल होते हैं एनवायरनमेंट में ड्रोसोफिला की स्पीशीज में, जिनकी बॉडी ब्राउन कलर की होती है और आइज रेड कलर की होती है, तो ये वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप मतलब क्या होता है, नेचुरल ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन करके मिला है, मतलब थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर करने के बाद हमको मिला है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेंट टाइप। क्या बोलते हैं उसको, म्यूटेंट। ये म्यूटेंट है, ये वाइल्ड टाइप है। क्या है, दिस इज़ योर म्यूटेंट एंड दिस इज़ योर वाइल्ड टाइप। तो पता कैसे चलेगा कि म्यूटेंट के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट और वाइल्ड टाइप के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट है। म्यूटेंट को सिर्फ लेटर से बताया गया है, और जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है, जो ओरिजिनली नेचर में फाइंड होती है, उसके ऊपर प्लस साइन यूज़ की गई है। कौन सी साइन यूज़ की गई है, प्लस साइन यूज़ की गई है। तो जहाँ पर भी आपको प्लस साइन देखने को मिलेगी दैट इज़ वाइल्ड टाइप, और जहाँ पर भी आपको सिर्फ लेटर्स देखने को मिलेंगे दैट इज़ म्यूटेंट। तो अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या बताया गया है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप क्रॉस्ड येल्लो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू द वाइल्ड टाइप ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स एंड इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 2 इंसेक्ट लिए, एक फीमेल एक मेल। फीमेल कैसी थी, म्यूटेंट थी, मतलब जिसकी बॉडी येल्लो होगी और जिसकी आइज वाइट कलर की होगी। और मेल कैसा था, मेल वाइल्ड टाइप था, मतलब जैसा नेचर में देखने को मिलता है, जिसकी बॉडी ब्राउन कलर की होगी और आइज
रेड कलर की होगी, ओके। द प्लस साइन मतलब वाइल्ड टाइप, नो प्लस साइन मतलब म्यूटेंट। इन दोनों को जब मॉर्गन ने क्रॉस किया तो उनको एफ वन प्रोजेनी में क्या देखने को मिला, देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, थ्योरी पढ़ते हैं हम। He observed that the two genes did not segregate independently. जब मेंडल ने इन दोनों को क्रॉस किया, फीमेल और मेल को जब क्रॉस किया, तो उन्होंने क्या देखा कि फीमेल का एक क्रोमोजोम एज इट इज आया है, मेल का एक क्रोमोजोम एज इट इज आया, मतलब इन दोनों जीन्स के बीच में कोई सेग्रीगेशन नहीं हुआ। जैसे हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखते थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जीन सेपरेट हो जाते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पर जीन सेपरेट नहीं हुए और एज इट इज मेल का फीमेल का एक क्रोमोजोम और मेल का एक क्रोमोजोम आकर यहाँ पर बैठ गया, मतलब फीमेल का एक जीन और मेल का एक जीन। सो यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर हुआ ही, मतलब कोई सेग्रीगेशन हुआ ही नहीं, जीन सेपरेट ही नहीं हुए, जिसके वजह से हमको ओरिजिनल पेरेंट्स के ही कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? ओरिजिनल पेरेंट्स के कैरेक्टर्स। तो देखो यहां पर वाइल्ड टाइप का जो जीन था वो एज इट इज आ गया, इसीलिए ये हो गया वाइल्ड टाइप। और ये जो म्यूटेंट है, म्यूटेंट में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो म्यूटेंट भी वैसा ही मिला, मतलब हमने जैसे पेरेंट्स लिए थे चिल्ड्रन भी वैसे ही मिल रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, हमने एक म्यूटेंट पेरेंट लिया था, एक वाइल्ड टाइप पेरेंट लिया था, और जब हमने इन दोनों को क्रॉस किया तो हमको क्या मिला, वापस से एक वाइल्ड टाइप चाइल्ड मिला और एक म्यूटेंट चाइल्ड मिला, मतलब जैसे पेरेंट्स थे वैसे ही बच्चे मिले, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, और इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं लिंकेज। क्या बोल सकते हैं इसको हम? लिंकेज। तो लिंकेज के वजह से हमको जब पेरेंट्स के जैसे ही ऑफस्प्रिंग मिलते हैं तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमको पेरेंटल टाइप 98.7% देखने को मिल रहा है, और जो न्यू रिकॉम्बिनेशन है एक या दो गलती से, मतलब जब आप 100 फीमेल और मेल को क्रॉस करोगे तो उसमें से गलती से कोई एक फीमेल और मेल के क्रॉस के बीच में आपको नया वेराइटी देखने को मिलेगा, दैट इज़ 1.3%, मतलब ऐसा कुछ मिक्सचर देखने को मिलेगा जहाँ पर दोनों के जीन्स मिक्स हुए हों, अदरवाइज आपको सिर्फ पेरेंट्स के जैसा ही ओरिजिनल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। देखो ये भी पेरेंट के जैसा है, ये भी पेरेंट के जैसा है, और कुछ हार्डली नई वेराइटी जो है वो हार्डली कोई तो न्यू देखने को मिल रही है, मतलब न्यू रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन He observed that the two genes did not segregate independently of each other and F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1. Mendel के experiment का F2 ratio क्या होता था? 9:9:9:3:3:1. Mendel का F2 ratio. Morgan का F2 ratio क्या आया? 9:3:3:1 से टोटली अलग। देखो यहाँ पर एक प्रोजेनी वाइल्ड टाइप है, एक प्रोजेनी ब्राउन वाइट है, एक प्रोजेनी येल्लो वाइट है, एक प्रोजेनी येल्लो रेड है, मतलब सब अपने अपने टाइप के एक 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 हैं, मतलब 1:1:1:1। तो मेंडल का रेशियो था 9:3:3:1, यहाँ पर हमको क्या रेशियो देखने को मिल रहा है? 1:1:1:1, मतलब कोई भी सिमिलर वेराइटी यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रही है, मतलब टोटली डिफरेंट रेशियो है। ग्रेगोर जोहान मेंडल के कंपैरिजन में टीएच मॉर्गन का रेशियो टोटली डिफरेंट है, और इसीलिए इन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट्स का जेनेटिक्स अलग है, ह्यूमंस का जेनेटिक्स अलग है, ह्यूमंस में अलग तरीके से क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब एनिमल्स में। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम एंड स्टेटेड दैट व्हेन टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम देन द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। देखो मॉर्गन को एक चीज़ पता थी कि उन्होंने ये जो म्यूटेंट लिया है ये फीमेल म्यूटेंट है। कौन सा म्यूटेंट है? ये फीमेल म्यूटेंट है। फीमेल के क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? XX। तो मॉर्गन को एक चीज़ पता थी कि क्रोमोजोम के ऊपर अगर जीन्स सेम क्रोमोजोम के ऊपर अगर जीन्स प्रेजेंट है, मतलब एक क्रोमोजोम के अंदर ही दो जीन्स प्रेजेंट हैं, तो ये जीन्स आपस में सेपरेट अगर नहीं होंगी तो हमको रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। देखो मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ मॉर्गन ने हमको क्या बोला। मॉर्गन ने हमको एक ही चीज़ बोली, अगर क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, ये जीन्स अगर सेपरेट नहीं होंगे और मिक्स नहीं होंगे, ऐसा अगर नहीं देखने को मिला, मतलब मिक्स नहीं हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, मतलब न्यू वेराइटी देखने को नहीं मिलेगी, जो ओरिजिनल पेरेंट टाइप है सिर्फ वही देखने को मिलेगा। ये मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था। तो मॉर्गन ने हमको क्या बोला कि जीन्स दो तरीके की होती हैं, एक लिंक्ड जीन्स और एक क्रॉसिंग ओवर वाले जीन्स। जो जीन्स नज़दीक प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं होंगे तो कैरेक्टर्स वैसे के वैसे आगे ट्रांसफ़र होंगे, एंड दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज
सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, क्योंकि ये सेक्स जीन के वजह से आगे ट्रांसफर हुए हैं। समझ में आई आपको बात? मॉर्गन ने हमको एक ही चीज़ समझाई कि नॉन होमोलोगस रीजन पे, क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन जीन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, जिसके वजह से उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है और जिसके वजह से हमको पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। इसीलिए पेरेंटल टाइप का परसेंटेज है 98% और रिकॉम्बिनेंट का है 1.3%। सो ये मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखो उन्होंने क्या बताया, दिस अकर्स ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स। हाँ, मतलब वही पार्ट आगे कंटिन्यू किया कि दो जीन सेपरेट क्यों नहीं होते, क्योंकि इन दोनों के बीच में फिजिकल एसोसिएशन है। फिजिकल एसोसिएशन मतलब लेस डिस्टेंस। ही ऑल्सो फाउंड दैट वेन जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोजोम सम जीन्स आर स्ट्रांगली लिंक्ड। उन्होंने क्या बोला हमको कि जब जीन्स सेम क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बाउंड बना लेती हैं, मतलब दे आर स्ट्रांगली बाउंडेड और दे आर स्ट्रांगली लिंक्ड। दे शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, वो हमको क्या दिखाती हैं, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन दिखाती हैं। एंड वेन जीन्स आर लूजली लिंक्ड, अब देखो आगे क्या बोला गया है, जब जीन्स लूजली लिंक्ड होते हैं, मतलब जब दो जीन्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है तो हमको रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये सब नहीं देखना है, आपको ये परसेंटेज देखना है। जब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम आराम से क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं, जिसके वजह से हमको न्यू वेराइटी देखने को मिलेगी। जब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है तुम इसको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं करोगे तो नया वेराइटी देखने को नहीं मिलेगा, तो नया लेस रिकॉम्बिनेशन। सो मॉर्गन ऑल्सो कंक्लूडेड दैट सम जीन्स दे शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस व्हेन जीन्स आर लूजली लिंक्ड, दैट इज़ प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन क्रोमोजोम, दे शो मोर रिकॉम्बिनेशन। तो जब जीन्स नज़दीक प्रेजेंट होती हैं तो वो लेस रिकॉम्बिनेशन दिखाती है, और जब जीन्स दूर प्रेजेंट होती हैं तो वो हाई रिकॉम्बिनेशन दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस नंबर टू, फॉर एग्जाम्पल द जीन्स फॉर येल्लो बॉडी एंड वाइट आई वर स्ट्रांगली लिंक्ड एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन इन क्रॉस वन। देखो क्या बताया गया हमको इधर पे, कि हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया क्रॉस वन, जहाँ पर हमने येल्लो बॉडी वाइट आइड फीमेल और ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल लिया, तो इनके बीच में जब हमने क्रॉसिंग ओवर किया तो हमको रिकॉम्बिनेशन सिर्फ कितना देखने को मिला, 1.3%। क्यों? एक ही रीज़न है, क्योंकि इनके जीन्स बहुत नज़दीक प्रेजेंट थे जिसके वजह से ये सेपरेट नहीं हुए, जिसके वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। वाई ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन इन क्रॉस वन। व्हाइट बॉडीड एंड मिनिएचर विंग्स, ये जो सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर हमने मतलब वापस ड्रोसोफिला ही लिया लेकिन उसके दूसरे कैरेक्टर्स कंसिडर किए। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, हमने एक ऐसा ड्रोसोफिला लिया जिसकी बॉडी वाइट कलर की हो और उसके विंग्स मिनिएचर हो, छोटे छोटे विंग्स, मतलब एक म्यूटेंट लिया हमने जिसकी बॉडी वाइट कलर की होगी और विंग्स छोटे छोटे होंगे, मिनिएचर विंग्स। और वाइल्ड टाइप का क्या कैरेक्टर था, इट शोड, एक सेकेंड, हाँ येस, इट विल शो ब्राउन बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स। यहाँ पर हमको क्या दिखाई देगा, ब्राउन बॉडी नॉर्मल विंग्स, वाइट बॉडी मिनिएचर विंग्स। तो क्या बताया गया हमको यहाँ पर, कि जब हमने कोई ऐसा क्रॉस लिया जहाँ पर आपके जीन्स दूर दूर प्रेजेंट है, जब हमने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया जहाँ पर आपके जीन्स दूर दूर प्रेजेंट है तो इनके बीच में आसानी से क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपको न्यू रिकॉम्बिनेंट वेराइटीज ज़्यादा देखने को मिली। देखो आपको मैं बार बार एक ही चीज़ समझा रही हूँ, मॉर्गन ने हमको एक ही चीज़ समझाई कि क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं अगर वो जीन्स एक दूसरे से नज़दीक प्रेजेंट हैं तो उनको अलग नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो कैरेक्टर्स एक्सचेंज नहीं होंगे, कैरेक्टर्स एक्सचेंज नहीं होंगे तो न्यू वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन एकदम लेस होगा। अगर दो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर दूर दूर प्रेजेंट है तो इनको आराम से अलग किया जा सकता है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर आराम से हो सकती है और जिसके वजह से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। ओके, सो वाइट बॉडीड एंड मिनिएचर विंग्स शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन इन क्रॉस टू। क्रॉस वन शोज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स वाई एंड डब्ल्यू, क्रॉस टू शोज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन वाइट एंड मिनिएचर विंग, ये अल्फाबेट से जो हमने यूज़ किए। हियर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप अलील्स आर रिप्रेजेंटेड विद प्लस साइन। तो हमको देखो क्या बताया गया है कि अगर आप लिंकेज की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, अगर आप लिंकेज प्रोसेस की बात कर रहे हो, आपको एक ऑलवेज रिमेंबर करके बॉक्स दिया गया, उसमें क्या बोला गया है, ऑलवेज रिमेंबर
पैरेंटल कॉम्बिनेशंस अकर मोर ड्यू टू लिंकेज. अगर आप लिंकेज करवाते हो तो आपको पैरेंट कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है 98.7% और रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलता है. और अगर आप क्रॉसिंग ओवर करते हो तो आपको पैरेंट कॉम्बिनेशन कम देखने को मिलेगा और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा. सिंपल सा लॉजिक है, जब जीन्स अलग होंगी तो न्यू वेराइटी बनेगी, जब जीन्स अलग ही नहीं होंगी तो पेरेंट के जैसे ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे. सो दिस वॉज अबाउट TH मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. प्लीज़ इसको 2-3 बार देखो और याद रखो एक ही चीज़ बार बार मॉर्गन ने बोली है कि क्रोमोसोम के ऊपर जब दो जीन्स नज़दीक प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रांगली लिंक्ड होती हैं, यू कैनॉट सेपरेट देम, क्रॉसिंग ओवर कैनॉट टेक प्लेस एंड पेरेंटल टाइप इज शोन. एंड वेन टू जीन्स आर सेपरेटेड फार फ्रॉम ईच अदर दे कैन गेट सेग्रीगेटेड ईजिली, क्रॉसिंग ओवर कैन टेक प्लेस एंड वी कैन सी न्यू वेराइटी इन लार्जर नंबर. सो दिस इज TH मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. वी ट्राइड टू कवर सेक्स लिंकेज, वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड वॉट आर एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स वाई लिंक्ड ट्रेट्स. हमने कंप्लीट सेक्स लिंकेज और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के बारे में भी पढ़ा. मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको थ्योरी समझ गई तो ये आप अपने आप से भी बना सकते हो, ठीक है. तो आई होप आपका आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ इसको 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखो और आज का सेशन देखने से पहले प्रीवियस सेशन ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन हमने लिंक पर दी हुई है. सो मेक श्योर दैट यू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, मेक श्योर दैट यू एन्जॉय व्हाइल यू आर लर्निंग जेनेटिक्स बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अभी अगर जेनेटिक्स अच्छा से समझ में आया तो फ्यूचर में आपका बहुत स्कोप है. सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली, चाहे मेरा वीडियो देख के, चाहे टेक्स्ट बुक से पढ़ के, कहीं से भी. अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन जेनेटिक्स. इफ यू लाइक इट, आई होप यू विल लाइक इट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई होप कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू, सी यू सून, टेक केयर.